अरे तंग आ गए हैं इन सांपों से, इन्होंने पूरे गांव के गांव खाली करवा दिए हैं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो चिंटू जी। परसों थाने में FIR आई थी, उस नाग नागिन के जोड़े ने फिर एक दंपत्ति को दस लिया है और वो दोनों दंपत्ति और उनका बेटा सबको मार दिया है उन नाग नागिनों ने। दरोगा जी अब इन दोनों का किया क्या जाए, ये नाग नागिनों ने ये समझ ली पीछे वाले गांव में कम से कम 10 लोग मृत्यु को चले गए चुके। बात तो ठीक है तुम्हारी चिंटू मिंटू, लेकिन कुछ भी हो हमें इस नाग नागिन के जोड़े को ढूंढना चाहिए और साथ में नष्ट भी करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, ये पूरा जंगल जी हमें आज ही की आज छानना है जी, और नाग नागिन के जोड़े को ढूंढ के अपने वश में करना है, अन्यथा उन्हें खत्म कर देना है जी दरोगा जी। नहीं तो ये नाग नागिन पूरे गांव के गांव हो सकता है, आज मुझे कल तुम्हें किसी ना किसी को। दरोगा जी एक बात कहूं जी, आप बीन बजा के बुला क्यों नहीं लेते उन्हें? अरे यार तुम चिंटू कैसी, अरे समझा करो, अरे मैंने बड़े बड़े नागों को ना अपनी गोली से साँप। अरे कहाँ है साँप? अरे नहीं नहीं तो ऐसी बातें करते हैं हिम्मत हिम्मत सिंह बताते हैं आपका नाम। चिंटू फालतू की बकवास मत करो मेरे साथ। अच्छा। और मिंटू तुम दोनों मेरे साथ चलो, सरकार ने हमें जो मिशन दिया है हमें उसको नाग नागिन को ढूंढ के खत्म करना है, चलो मेरे साथ। बोलो मी बाबा ना बन जाए। चलो सर आइए थोड़ा और आगे तक चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या मैटर है क्या नहीं है। चिंटू चलते तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे डर लग रहा है आगे की रे वो जाने से। सर हाँ आपने कुछ सुनाई दिया आपको? अरे मुझे क्या सुनाई दिया, गौर तो सुनो सर। सर छन छन की आवाज आ रही है। छन छन की आवाज पायल की? अरे कोई ना कोई होगा, चिड़िया बुड़िया खिला रही होगी। सर जी जंगल में चिड़िया का चिड़िया चू चू करेगी ना कि छन छन करेगी। चिंटू भाई चुप सुनो, आवाज आ रही है वो पायल की आवाज तो आ रही है मुझे। हाँ सर लेकिन सुनो चल के देखो अपनी, अरे चल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है अपनी पोजीशन। ये बंदूक में गोली तो डाल रखी है तुमने? नहीं वो तो तैयार है। अपनी पोजीशन संभाल के रहना, जैसे तुम्हें वो नाग नागिन दिखाई दे जी सर, या नागिन दिखाई दे जी सर, गोली मार देनी है सर। थोड़ा आगे चल के देखते हैं, तीनों संगी संगी चलेंगे। चलो चलो चल रहे हैं, चलते अरे चिंटू सर हाँ आवाज कितनी तेज आ रही है। अरे तेज आ रही है, अरे ढोलक सी बज रही है सर, धाड़ी धाड़ बज रहा है सर, कान देखो कैसी आवाज आ रही है। मिंटू मेरी बात सुनो। ओ सर इधर ये खेतों में देखो हाँ, आ रही है। नहीं नहीं अरे वो लड़की झाड़ में कौन बैठा है सर? लड़की चलो देखते हैं। चलो देखते हैं सर, देखते हैं चलो। अरे कितना सुंदर नजारा है, कितनी अच्छी वादियां हैं, अब तो मैं यहीं रह करूंगी, बहुत सुंदर है। वाह अरे अरे ये पुलिस वाली मेरी ओर क्यों आ रहे हैं? अरे ये तो इधर की ओर आते जा रहे हैं, अरे मुझे लगता है भागना पड़ेगा। अरे नागेश भागो भागो नागेश। अरे सर हाँ चिंटू वो लड़की यहाँ पे थी, यहाँ से गायब हो गई। अरे चिंटू वही बात तो मैं देख रहा हूँ, हमने वहाँ सामने से उसको देखते हुए आ रहे थे, वो यहीं झाड़ियों के पास जी सर जी यहीं खड़ी थी बिल्कुल। हाँ मिंटू ये काम करो यही तलाश करो वो कहाँ गई, चारों तरफ देखो, मुझे वो नागिन और वो लड़की जो है जी सर, वो देखनी है लड़की कहाँ गई। चिंटू जी सर इस जंगल में और इस गांव में नाग नागिनों का इतना आतंक है जी, और इस घने जंगल में ये लड़की अकेले कर क्या रही है? सर यही तो मैं सोच रहा हूँ आपसे। मिंटू तुम्हारी बात भी सही है और चिंटू तुम्हारी बात भी सही है जी सर, लेकिन हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इस घने जंगल में नाग नागिनों के होने के बावजूद ये लड़की यहाँ इस जंगल में अकेले कर क्या रही है। सही सर, इसके लिए तो हमें इसके पीछे जाना चाहिए। ये बात भी तुम ठीक कह रहे हो, पहले उसको तलाश करो। जब मुझे सर अभी वो यहीं थी गायब हो गई, हम लोग देखते हैं। चलो मेरे साथ चलिए सर। चलो सर नागेश नागेश भागो चिंटू जी सर। अरे ये तो भागती जा रही है सर, पकड़े सर। हाँ सर ये मुझे लगता है ये कोई आसान महिला है। चलो 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 सर। चिंटू जी सर मेरी बात सुनो, रुको एक मिनट जी सर, ये ऐसे हाथ नहीं आएगी लड़की सर। फिर कैसे आएगी? तुम इधर से जाओ ठीक है सर, और मिंटू तुम इधर से जाओ ठीक है, मैं इसके पीछे जाता हूँ, जब तुम लोग इधर से घेरोगे तुम इधर से तभी हमारे हाथ आएगी। ओके सर मैं चलो ठीक है सर।
आई है लड़की, किधर जाती है? किधर जाती है? अरे मैं उस गांव से आई थी, मैं बंजा रहे हैं हम। क्या मैं करती है इस घने जंगल में? तो ये माल में इतने खतरनाक नाग नागिनों का इसको जंगल में बास है, तो यहाँ घूम कैसे रही है जंगल में और इस समय? सर हाँ वो भी देखो, शाम के 6 बज गए। अरे मैं गांव से आई थी, हम ना बन जा रहे हैं यहाँ, हम अपनी बैलों को ढूंढने आए, बैल नहीं मिल रही है हमारी। चिंटू जी सर, ये बंजारे फंजारे क्या होता है? सर बंजारे उन लोगों को कहते हैं जो मतलब नाटक वाटक जो करते हैं, जो डबली अपली बजाते हैं। जी सर जो नाच गाकर अपना परिवार चलाते हैं। तुम इस घने जंगल में इतने बजे तक तुम्हारे जब बैल नहीं मिले तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हें माले में कितना खतरनाक जंगल है ये, क्या समय हो रहा है? कुछ हो जाता क्या समय हो रहा है? और रोज लोग मर रहे हैं आपको पता है इतना सा भी? क्योंकि रोज कुछ ना कुछ सर घटना हो ही रही है, कहीं ना कहीं सांप सांप डसने की तमाम घटनाएं निकल के आ रही हैं। आप इस समय ना घूमिए यहाँ पे, आप जाइए जहाँ से भी है आप। ठीक है हम जाते हैं। पर आज सर इनसे कह दीजिए आज के बाद ये यहाँ दिखाई ना दे। एक बात ध्यान रखना, ऐसे जंगलों में अकेले घूमना खतरनाक है, जान जानलेवा हो सकता है, ये ध्यान रखना। चलो जाओ यहाँ से। उस गांव में दो सियाप ने एक सियाप ने दो आदमी को खा लिया है माले में, जाइए आप अपने घर पे। मिंटू तुम कैसी बातें करते हो, समझे? तुमने पहले उस लड़की को डरा दिया। सर हम लोग तो इसके पीछे पीछे भागकर परेशान हो गए, हवा की तरह उड़ रही थी ये लड़की। सुंदर कितनी थी? नहीं सुंदरता तो बहुत थी जी सर, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि इस घने जंगल में ये लड़की यहाँ कर क्या रही है। तो सर अब इस चीज को छोड़िए, अब मुझे भी यहाँ खतरा लग रहा है, अब हमें भी ज्यादा देर यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी जान के ऊपर भी कोई खतरा बन सकता। चलो यहाँ से जल्दी जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी चलो चलो। आखिर में नागिस गया कहाँ? कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं मिल ही नहीं रहे हैं। नागिस कहाँ गए? सर अरे बच्चा क्यों? सर मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर मेरी बात सुनिए, इस मिशन को सर यहीं छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। अरे अरे यार मिशन को, मेरी तो बीवी भी अकेली है सर, मैं अपनी बीवी का अकेला आदमी सर। अरे मिंटू मैं कौन सा अपनी बीवी का सर हूं यार, इतनी तिलुक लुक 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 हो रही है। अरे छोड़ो यार यार, मुझे लगता है हमें मारो पीछे को। एक काम करो मिंटू, मिशन को मारो गोली, वापस चलते हैं, जान बचेगी तभी तो मिशन कर पाएंगे। फटाफट लौट लीजिए, चलो चलो चलो, जान बची लागो पाए। चलो 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 यार, इस जंगल से चलो। सर दे दो। अरे अरे चिंटू रुको सर, सर खा जाएगा। अरे खा तो मुझे भी जाएगा सर, तुम आगे चलो सर, तुम सर मैंने आपको बहुत नाम सुना है सर, आपने सांप बहुत सांप मारे सर। अरे मुझे बहुत डर लगता है यार सांपों से सर, प्लीज सर। अरे अरे नहीं नहीं, अरे तुम एक काम करो, हे देवता जाओ यहाँ से। अरे क्या यार देवता देवता, सर क्या करूँ, तो क्या कटवा लूँ अपने आप। अरे जी पिछवाड़े में ढंग नहीं मार। हवलदार मिंटू। हाँ सर। तुमने क्या किया ये? सर इसको नहीं मारता था, ये हमें ही बेचारा मार रहा कट्टे से ना। अरे मिंटू तुमने एक नाग को मार दिया, आज नागिन ने हमें देख लिया तो हमें जान से मार देगी। मिंटू। हाँ सर। हवलदार मिंटू तुमने जो किया है ना, मैं कैसे तड़प रहा है सर, ये तड़प रहा है। अगर इसके तड़पते हुए इसके मरते हुए अगर इसकी नागिन ने या किसी और सांप ने देख लिया हमें तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सर हवलदार मिंटू तुमने ये क्या कर दिया? मेरी बात सुनिए, ये बातें करने का ये जगह सही नहीं है। अरे हम सीधे सर पहले यहाँ से भागने में भलाई है सर। चिंटू मेरी बात सुनो, ये देखने में सांप इच्छा रहा ही लगता है, अगर इसकी नागिन ने हमें देख लिया तो सर हम यहाँ रुके ही क्यों है सर, भागिए। चलो मिंटू भागिए, क्या कर दिया ये, चलो जल्दी चलो। क्या हो गया ये नागेश, उठो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नागेश उठो, नागेश क्या हो गया ये नागेश, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। नागेश नागेश उठो,
नागेश मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नागेश क्या हो गया ये आप? नागेश जिस किसी ने तुमको मारा है ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आप बदला लेके रहूंगी। नागेश मुझे बस दिखाओ किसने तुम्हें मारा है, नागेश मुझे दिखा दो बस। नागेश नागेश मैं तुम्हारी मौत का बदला लेके रहूंगी। जिन जिन की तस्वीरें मैंने सबको देख लिया है, मैं चुन चुन के मारूंगी नागेश, चुन चुन के मारूंगी। मैं जा रही हूँ। सर 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 आराम से सर। हाँ। आराम से सर। सर आज तो ये समझ लीजिए जान में जान पड़ रही। अरे रुको दोनों यार, वो बात तो ठीक है लेकिन आज जो इस मिंटू ने जो गलत काम कर दिया है उसके बारे में सोच सोच के बड़ा परेशान हूँ मैं। सर। अरे कुछ भी सकता, वो नाग भाग जाता वहां से या किसी के पीछे पड़ जाता या कैसे भी, तुमने उस नाग को मार के अच्छा नहीं किया। सर हमने तीनों की जान रचाई है सर। अरे तुम्हें तीनों की जान नहीं, तीनों की जान आफत में डाल दी तुम तो हवलदार। बस तुम्हारी इसी बेवकूफ के कारण हम तीनों की जान फिर से मुसीबत में आ गई। सर वो ढस लेता हमें। अरे सर मेरा तो कहना ये है। हाँ सर हम यहाँ से भाग चलते हैं। आखिरकार भागेंगे कहाँ सर? अगर अगर अपनी जान बचानी है तो भागना पड़ेगा सर। ड्यूटी छोड़ के कहाँ भागेंगे मिंटू? ट्रांसफर करा लीजिए, मेरी तो एक ही बीवी है सर। अरे तुम यार पता नहीं चिंटू जी सर, तुम्हारी तो यार पता नहीं तुम बीवी के पीछे कितने मरे जाते हो। तुम्हारी बीवी यार दुनिया की बीवी होती है, मेरी बीवी है, मेरी भैया मेरे बच्चे नहीं है, मेरी बीवी नहीं है जी सर। ये बताइए मेरा तो ट्रांसफर तुम करवा दी कहीं ना तेर मतलब गुनाह करके तू ट्रांसफर। मिंटू तेरे कर्मों की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी, हम तीनों को भुगतनी पड़ेगी। सर अब तो आप मेरी बात सुनिए। हाँ सर मैंने काफी बार देखा है, कहीं ऐसा ना हो सर वो इच्छाधारी नाग निकल आए या नागिन निकल आए। अगर गलती से अगर वो इच्छाधारी निकल आए तो हमारा जान बचना दुर्लभ पड़ जाएगा। चिंटू इसी बात को सोच सोच के तो मैं हैरान हूँ। बस इसके कारण हम तीनों मारे जाएंगे। मैंने सर पिक्चरों में देखा है, किताबों में पढ़ा है सर, इच्छाधारी नागिन अपना बदला लेके मानती है सर। अरे तुम बस अब ये बातों को बंद करो, डराओ मत मुझे इन बातों को। सर अब कुछ भी कीजिए सर, मुझे मेरे बस की नहीं है सर। आने दो उस नागिन को। सर क्या तुम डरते क्यों? मेरी बात सुनो, डर तो मुझे भी लग रहा है लेकिन इतना डर नहीं चिंटू। ऐसी ऐसी नागिनों को, ऐसे ऐसे नागों को, ऐसे ऐसे जानवरों को मैंने खूब अपनी गोली का शिकार बनाया है। मेरे पेट में ऐसी घड़ा से बोल रहे हैं सर, तुम तो वैसे उल्टे पैर लौट जाए, ऐसी बात क्यों करते हो सर? उल्टे पैर नहीं हवलदार, मिंटू तुम्हारी करतूतों के कारण तुम दोनों की जान के पीछे, वरना वहीं उसी समय मैं उसको गोली मार देता। अरे सर मैंने मार दी बहुत है, अब क्यों मार रहे सर? अब हमारे पीछे पड़ गई, अब क्या करें तुम? अरे मुझे जानते नहीं हो अभी। सर अब ये बताइए अब करना क्या है? क्या करना क्या है, बेटेंशन रहो, फिर हम देख लेंगे उस नाग नागिन को। अब क्या करना है सर, फिर आगे बताइए। हवलदार मिंटू। हाँ बोलो। तुम्हारी इसी बात को लेकर मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ, इस बात को परेशान रहता हूँ। तुम कहते हो ना तुमने ये गोली मार दी, ये कर दिया वो। देखो जान सबकी होती है, आज तुमने उस नाग की जान ली है या नागिन होगी। अगर उस नाग या नागिन ने हम लोगों का अगर फोटो उस नाग या नागिन की आंखों में देख लिया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और आइंदा से देखो जान सबकी होती है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान, समझे? आगे से कोई भी जानवर कोई भी इंसान अगर किसी को भी देखो तो साइड से निकल जाना, ये ध्यान रखना। किसी भी जानवर पे किसी निर्जीव पे गोली मत चलाना। जो तुमने आज किया है उसका दंड हमें शायद भुगतना भी पड़े और शायद नहीं भी। और उस बात की टेंशन मत लेना, अगर तुम लोगों को मुसीबत आई उससे पहले उस मुसीबत से मैं जूझ लूंगा। सर मैं प्रार्थना मांगता हूँ सर, नाग देवता से गलती हुई क्षमा करें। चलो अब तुम एक काम करो। हाँ सर। मिंटू। हाँ सर। मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, ठीक है और सर। तुम जाओ चाय बना के लाओ, और पराठे लेके आया था सुबह, वो पराठे लेके आओगे। सर उसके भी पैसे नहीं पहुंचे सर। अरे जाओ जल्दी यार, तुम भी पता नहीं पहुंच जाएंगे पैसे उसके। सर इस आदमी को अभी भी मजाक सूझ रहा है सर। अरे बस इसने जान आफत में कर दी हमारी। सर मुझे तो ये डर लग रहा है सर, कहीं ऐसा ना हो नागिन सर आने वाली हो। अरे कुछ भी वाली हो बस तुम पूछो मत, तुम दोनों की विपदा मुझे झेलनी पड़ेगी। मेरी विपदा? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है सर, आप मेरे ऊपर जो बेकसूर बेशक तो हम संग तो थे। वो नाग हुई या नागिन हुआ जो भी हुआ,
वो हम दोनों को छोड़ेगा नहीं, हम तीनों को ही नहीं छोड़ेगा। जी सर। सर सर क्या हुआ? अरे वो किचन में खाया था मैं, दूध फट गया। दूध फट गया? इसमें कसर की क्या बात है यार, तुम तो ऐसे आयो डराते हुए। चलो तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है पिंटू। हाँ, हमें मालूम था ये चाय बना के लगा। चलो चौराहे पे चल के पांच चाय पियेंगे। चलो सर। चिंटू यहाँ भी दुकान बंद निकली, अब क्या करें, चाय कैसे सर, लगता है आज हड़ताल है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ आपसे। जी हाँ कहो, तुम पहले कहो अपनी बात। मुझे तो सर तुम 15 दिन की छुट्टी दे दो, क्योंकि छुट्टी मेरी बहू की तो भैया डिलीवरी है सर। तो आपको बताऊँ सर बात। चिंटू जी सर एक बात बताओ, ये हमसे पिछले साल भी छुट्टी लेके गया था एक महीने की। जी सर। पिछले साल भी इसकी बहू की डिलीवरी हुई थी सर, उससे पिछले साल भी। मतलब करता क्या है ये, मतलब सर हर साल ये ही है बच्चे पे। तो वो क्या कहते हैं, ये कम से कम हमसे 20 साल से एक एक मतलब एक साल बाद बुरे आता है और ये इसी नाम को लेके जाता है। इसके कितने बच्चे होंगे? हाँ भाई। नहीं सर अब के तो मुझे ज्यादातर पेट में दिक्कत हो रही है, तो बहू का नाम यही कह रही थी वो डिलीवरी, तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। सर मुझे 15 दिन की छुट्टी दे मिंटू। हमें नहीं पता था, अबे तू बच्चे मतलब सबसे आगे निकलेगा सर। हैं मेरे पास बच्चे, आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ मेरे पास बच्चे हैं 8। क्या नमा होने वाला है सर, मैं आपको बताऊँ लू के पट्टे। मैं उनकी परवरिश करना चाहता हूँ, आप जैसी जैसे आप दरवाजी बने वैसे उनको बनाना चाहता हूँ। दरोगा बनाना चाह रहे हो या नकेल वाला बनाना चाह रहे हो? मेरी बात सुन। हाँ सर। हवलदार मिंटू, हाँ ये तूने ना ये 8-10 बच्चे बता रहा है, ये तो मुझे तो बता दिया है, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। अगर किसी और दरोगा को यह पता पड़ गया ना तो ये बढ़ती है ना घंटी पे लटक जाएगी। सर मेरे तो आज तो मेरे अपने हो सर, मैंने आपको बताया। आज की महंगाई और कलयुग को देखकर बच्चे दो ही अच्छे समझे, छोटा परिवार और सुखी परिवार, ये मेरा नहीं ये सबका कहना है। सर मुझे तो ऐसा लगता है ये हर महीने पीछे ही करने आता है क्या? अबे तुम भी रहने दिया करो चिंटू। सर मुझे छुट्टी दे दो आज तुम। छुट्टी? एक काम करना, अपना छुट्टी का लेटर कल सुबह तुम मेरी टेबल पे देना समझे, तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे दूंगा, लेकिन अभी तुम 2 दिन के लिए कहीं नहीं जाओगे, अभी हमें 2-3 दिन साथ में ही रहना है। चलो मेरे साथ। ठीक है सर। चिंटू मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, एक काम करता हूँ। जी सर। मिंटू। हाँ सर। तुम्हारी जेब में पैसे पड़े होंगे, सुनो मेरी बात, आगे मत बोलना, बाजार जाओ, बाजार से 2 किलो दूध लेके आओ। ठीक है सर। और 30 रुपए के पकौड़े पैक करवा के आना। मैं सर अरे यार आज ठंड बहुत है, मेरी बात सुनो, बाजार से जाके लेके आना। ठीक है, जब तक मैं और चिंटू थाने पहुंचते हैं, ठीक है कोई ना कोई आ जाएगा फिर FIR दिखाने के लिए। जाओ यहाँ से। ठीक है सर। कोई भी काम ढंग से नहीं करके देता है सर, आज पता पड़ी आपको। बस चलो यार, बस एक ही काम है, बच्चे बच्चे बच्चे। चलो यार, क्यों तुम मुझे भेजा दूध लेने? मैं दूध और मंगोड़े मंगाए हैं सर ने, दूध लेके आता हूँ पहले तो। हमें मंगोड़े लेके सर को पेश करूँगा। रुक। हे लड़की, जाता कहाँ है तू? ए लड़की मुझे जानती है मैं कौन हूँ? पुलिस वाले को ऐसे रोक रही रस्ते में? तू मुझे लड़की बोल रहा है? मैं कौन हूँ जानता है तू? कौन है तू लड़की? गलीमान छोड़ पहले। क्या गलीमान? ये तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है तूने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं आज। अरे मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने तेरा कौन सा सुहाग उजाड़ दिया लड़की? मेरा सुहाग? हाँ। जिस तू लड़की बोल रहा है ना, मैं नागिन हूँ, तूने मेरे नाक को मारा है, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, मुझे माफ कर दो। ऐसे मुझे माफ, क्या माफ करूं मैं? मैंने नहीं जाना, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती से तू गलती हो गई, गलती हो गई। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज तू मेरे हाथ में आया है। नहीं देवी नहीं, तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता, रुक जा। नहीं देवी नहीं। ओ मेरा बदला पूरा हो, अभी 2 और रह गए, 2। मेरा नाग इस मुझसे, अब मैं 2 उनको नहीं छोड़ूंगी, अब मैं जाती हूँ 2 उनको भी ढूंढ के लाती हूँ। सर इतनी देर हो गई? अरे यार
ये हवलदार मिंटू ऐसा है, अगर एक घंटे की बोलो ना इससे तो 5 घंटे लगाता है। सर मैं तो काम कह रहा था, आपने सर पे चढ़ा रखा है फालतू में। अरे सर पे क्या चढ़ा रखा है यार, एक काम करो तुम जाओ जी, तो देख के आओ। चलिए सर मैं नहीं आएगा, मर गया क्या हो गया इसको, इतनी देर हो गई। अरे चिंटू यार सर को बुला के ला, इतनी देर हो गई, ये पता नहीं ये भी चला गया। सर अबे क्या हुआ, कैसे हाँफ रहा है? सर सर देखिए ना सर, मिंटू को क्या हो गया सर? क्या हो गया मिंटू को? नीला पड़ा है सर वो वहाँ पे। जी सर, जी सर मुझे लगता है किसी सांप ने उसको खा लिया सर। सर एक बार प्लीज सर जल्दी जल्दी आइए सर। अरे रुक यार जल्द सर, सर मुझे लगता है जी सर इच्छाधारी नागिन ने अपना काम सर पर उसको देखना तो पड़ेगा, वहां से उठा के तो लाना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी आइए सर। सर देखिए ना सर, देखिए सर इसको क्या हो गया सर। मिंटो सर, ए मिंटो सर सांस भी नहीं चल रही है इसकी, ये तो नीला पड़ा हुआ है इसका शरीर पूरा। जी सर। चिंटू जी सर, मुझे लगता है जी सर उस नागिन ने अपना बदला ले लिया है। जी सर समझे, और उसको उसने इसको डस लिया, अब वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। सर हमको मैं क्या करूं सर? तो हम दोनों को एक साथ रहना होगा और सावधान और सतर्क रहना होगा। ठीक है सर, इसने तो फंसा गई है तो मर गया। मैं एक काम करता हूँ, एम्बुलेंस वगैरह इसकी इसकी बॉडी को भेज देता हूँ। सर अब इसको थाने तक तो लेके जाना पड़ेगा। थाने तो एक काम करो जी सर, मैं हाथ पकड़ता हूँ। जी सर तुम पाए पकड़ो। जी सर, सर उठाइए सर। अरे ये खाता भी तो बहुत है सर, उठाओ उसे। सर ये तो मर गया सर, अब सर हम लोग क्या करें सर? मेरी बात सुनो हवलदार चिंटू, हमने तुमसे पहले ही कहा था। जी सर, ये जो नागिन है ना नागिन, जी सर देखो इसने मिंटू को मार के जी एक को मार दिया है, लेकिन जी सर ये मत सोचना कि उस नागिन का बदला पूरा हो गया। क्या तो, सर अरे डर क्यों रहे, रो क्यों रहे यार, तुम दोनों की ही जान आफत में, मेरी बात सुनो। अब वो नागिन जी सर ना हमें छोड़ेगी जी सर, समझे, उसने उसे मार के अपना बदला पूरा कर लिया, अब ना तुम्हें छोड़ेगी ना मुझे। इसमें फायदा यही है कि हम दोनों को एक साथ रहना होगा। मैं तो गांव चला जाता हूँ सर, मैं वहीं रह लूंगा सर। तो मैं क्या जाऊंगा सर? प्लीज सर मुझे, मेरे को छुट्टी दे दीजिए सर, मैं चला जाऊं। नहीं 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 नहीं, अब तुम एक काम करो जी सर, तुम अपने घर जाओ जी सर। ठीक है, कोई भी बात हो सर आप मुझे छोड़ के आइए ना सर। क्या यार घर घर, अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है चिंटू, बताइए सर। हाँ क्यों ना उस नागिन के डसने से पहले ही जी सर उस जंगल में जाकर क्यों ना उस नागिन को ही मार दे हम। सर जंगल में मैं नहीं जाऊंगा सर, जंगल में नहीं, ऐसे भी नहीं जाऊंगा सर। चिंटू चिंटू जी सर, तुम्हें मेरे साथ, मेरा नाम दरोगा हिम्मत सिंह है जी सर, और तुम्हें भी मेरे साथ हिम्मत दिखानी होगी। अगर हम नागिन को ही मार दें तो ना नागिन रहेगी और हम अच्छी जिंदगी। आपको पता है सर वो कितना घना जंगल है? कुछ भी सही, बंदूक में गोली डालो जी सर और मेरे साथ जंगल चलो सर। ओके सर। मैंने एक तो मार दिया, अब उनमें से तीनों में से अब बचे हैं दो, एक को तो मैंने बदला ले लिया, बस अब दो उनकी बारी है। सर तो सुन जी सर, अब हम आ गए हैं जंगल के छोर पे जी सर, तू इधर से जा सर और मैं जाता हूँ सीधे जंगल। सर वो तो सही है, सब ठीक है सर, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है सर? अरे हाँ यार जी सर, मैं जब देखता हूँ तब ये लड़की, आज से पूछ लेते हैं ये क्या करती है। चलिए सर इसी को देख लेते हैं। ए लड़की, अरे साहब आप एक बात बता, हम उस दिन भी जंगल में आए थे तो तू यही घूम रही थी जी सर, और आज भी आए हैं चिंटू जी सर, ये आज भी यही मिली है, आखिर तेरे बैल हो गए या बीरबल की खिचड़ी? अरे साहब मैं जब भी बैल ढूंढ रही थी, अब भी मैं बैल ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे हैं। तुम अपने बैलों को बांध के क्यों नहीं रखती हो? ए लड़की
इस जंगल में खतरनाक नाग नागिन रहते हैं, समझे? और अभी तक तो मुझे दिखाई नहीं दिए। तू यहां से चली जा वरना वो तुझे भी डस लेंगे। उसी में तुम्हारी भलाई है लड़की, जाओ अपने घर लौट जाओ। जाओ। ठीक है सर। सर ऐसे इसका इस वीराने जंगल में घूमना सही नहीं है। हवलदार चिंटू जी सर, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। जी सर। हम उस दिन भी आए थे जिस दिन मिंटू ने उस सांप को मारा था। जी सर। और हम आज भी आए हैं तब भी हमें ये लड़की मिली है। जी सर। और कहीं मेरे दिमाग में एक शंका चल रही है चिंटू। बताइए सर। कहीं हम जिस नागिन को ढूंढ रहे हैं, जी सर, कहीं यही तो नहीं है? जी सर। ये क्या कह रहे हैं सर आप? तुम यार डरते क्यों हो? सर डरने वाली बात है? ऐसी बात ही नहीं करते हैं कि मतलब डर तो लगे। चिंटू कहते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन 100 साल बाद अपना रूप धारण करते हैं, वो कोई सा भी रूप धारण कर लेते हैं। तो मुझे लगता है चिंटू, सर अब मेरी बात सुनिए, नाग को जाने दीजिए भाड़ में और नागिन को जाने दीजिए भाड़ में। सर मेरी बात सुनो, सुनो, आखिर हम भाग के जाएंगे कहाँ? सर गांव। अरे हम गांव चले जाएं, शहर चले जाएं, इस दुनिया के किसी भी छोर पे चले जाएं, वो नागिन हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, हम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगी। उससे बेहतर है क्यों ना हम दोनों मिलके उस नागिन को खत्म कर दें। तुम एक काम करो, इस लड़की के पीछे पीछे जाओ। सर आप देखो, तुम इस लड़की के पीछे पीछे जाओ और मैं जाता हूँ साइड से। ओके, ठीक है? ओके, जाओ। सर बिल्कुल सर। अगर यही इच्छाधारी नागिन हुई तो इसे देखते ही गोली मार दूंगा मैं, ना ये कुछ कर पाएगी। तो ये लड़की यही थी। आजा, तू मेरा शिकार, आज तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से। आजा, आ, आजा। लड़की डरा क्यों रही है? लड़की कहता है मुझे? और क्या कहूँ तुझे? तुझे शर्म नहीं आती? दिखाई नहीं देता मुझे लड़की कहता है तू? मैं एक नागिन हूँ। तूने मेरे स्वाग को उजाड़ा है, तू जिंदा नहीं बचेगा। तू जिंदा नहीं बचेगा। मेरे दो बच्चे। अरे दो बच्चे मेरे स्वाग को उजाड़ा है, मेरा कौन था उनके अलावा? इसको भी मैंने मार दिया, अब बचाए एक, अब उसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उससे भी बदला लूंगी मैं अपना। इसको तो मैंने मार दिया, उसको भी नहीं छोड़ूंगी। इतनी देर हो गई, ये हवलदार चिंटू, हाय चिंटू, हे चिंटू, का तो पूरा बदन नीला और मुंह से झाग, लगता है नागिन ने अपना काम कर दिया। तो मुझे सावधानी से रहना होगा वरना वो नागिन आज मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अब मुझे इस जंगल से जरूर निकलना, अत्यंत और अभी निकलना है वरना वो नागिन मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अब मुझे सब कुछ छोड़ के यहाँ से भागना होगा। मुझसे बच के कहाँ जाएगा? वो भी एक नागिन से बच के जाएगा? नागिन से कभी नहीं बच सकता है तू।
हट जा मेरे आगे से नागिन। तू एक नागिन से बच के जा रहा है। तुझे तो मैं पीछे छोड़ के आया था। मैं एक नागिन हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, कहीं पे भी आ सकती हूँ। हट जा मेरे सामने से, वरना मैं एक नागिन हूँ। तू नागिन से बच के जाएगा, तू मुझसे जिंदा नहीं रह सकता। आज मेरा बदला पूरा हो गया नागेश साहब, तुम्हारा मैंने बदला पूरा कर दिया, मैंने खत्म कर दिया तीनों को नागेश, मैंने बदला तो पूरा कर दिया, तुम मेरे साथ नहीं हो।